सुप्रभातम। आज हम चतुर्थ पाठ कक्षा 7 मम भगिनी मानसी का शेष अध्याय, जो बचा हुआ अध्याय था, उसको पूरा करेंगे। इस अध्याय में आपने देखा पहले जो है मेरी बहन मानसी के विषय में बताया गया था, तो आगे जो शेष बच गया था उसका आज हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जन्म दिवसस्य उत्सवस्य उपलक्षे अद्य सायं मम पितामही पितामह च आगमिष्यते। कहता है जन्म दिवसस्य, जन्मदिन के उत्सवस्य, उत्सव के उपलक्षे, जन्मदिन उत्सव के उपलक्ष्य में अद्य आज सायं मम पितामही, शाम के समय पितामही पिताजी की माता, यानी कि हमारी क्या बात लगेगी वो पिताजी की माता, हमारी क्या लगेगी दादी, तो पितामही दादी को क्या बोलेंगे पितामही। पितामह है और वो पितामही है हम दादी, और पितामह दादाजी च आगमिष्यत है आएंगे। कहता है कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम को मेरी दादी जी और मेरे दादाजी आएंगे, ठीक है। कहता है तदा तब गृहे सत सदस्याः भविष्यन्ति। फिर कहता है कि जब वो दो आ जाएंगे तो हमारे घर में, तदा तब गृहे घर में सत सदस्या, सत में से छह सदस्य होंगे। मेरे दादाजी और मेरी दादी जी जब हमारे जन्मदिन के ऊपर, मेरी बहन के जन्मदिन पर आएंगे, तब हमारे घर में छह सदस्य होंगे। स्वयं प्रातः, कल सुबह प्रातः काल मम मातामही पितामह च आगमिष्यते। कल सुबह जो है मेरी मातामही यानी कि, और मेरी माता, माता की माँ यानी कि मेरी नानी जी, मातामही संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, माता की माता को क्या बोलते हैं मातामही, और पिता को क्या बोलते हैं पितामह। तो यहाँ पर आ गया मातामही पितामह च और मेरे नाना जी, पितामही पिता मातामह और मातामही यानी कि नाना जी और नानी जी च आगमिष्यते आएंगी, ठीक है। फिर कल सुबह मेरे नाना जी और मेरी नानी जी आएंगी, तदा वयम अष्ट सदस्य भविष्यामः। फिर हमारे परिवार में कितने सदस्य हो जाएंगे, अष्ट, आठ सदस्य हो जाएंगे। फिर सर्वे मानसीम मिलित्वा अति प्रसन्ना भविष्यन्ति, और सभी जो है मानसीम, मानसी से मिलित्वा, मिल करके अति प्रसन्ना भविष्यन्ति, बहुत ही प्रसन्न होंगे वे सब जो है मानसी से मिल करके, बहुत खुश होंगे। कहता है ते वे सब मानसी उपहारान आनेष्यन्ति, और वे सब जो है वो मानसी के लिए उपहार, यानी कि इंग्लिश में जिसको गिफ्ट बोलते हैं, उपहार स्वरूप लेके आएंगे, आनेष्यन्ति लेके आएंगे। अर्थात कहता है ते वे सब मानसी के लिए उपहार लेकर आएंगे। वयम अपि माता महायी पिता महायी उपहारान दास्यामः। और फिर कहता है कि वयम अपि, हम सब भी क्या करेंगे, हम सब भी माता मही यानी कि हमारी नानी के लिए, पिता महायी और पिता माता मह दादाजी और दादी जी के लिए उपहारान दास्यामः, उपहार देंगे, ठीक है। हम उनको, हम भी जो मेरी जो माता मही है और जो पिता मह है, जो उनको हम जो है उपहार देंगे। वयम मिलित्वा, हम सब मिल करके क्या, सर्वम गृहम पुष्पै विद्युत दीपै च अलंकतम करिष्यामि। फिर कहता है हम सब मिल करके, वयम हम सब मिलित्वा मिलकर के सर्वम सभी घर में, घर को पुष्पै फूलों से,
विद्युत दीप, और जो विद्युत के दीपक हैं उनसे चय अलंकतम करिष्यामि, हम अपने घर को सुशोभित करेंगे अथवा अलंकृत करेंगे। आगे कहता है माता स्वादूनी व्यजनानी पक्षयति, और जो मेरी माँ है, मेरी माता जो है वो स्वादिष्ट, स्वादूनी स्वादिष्ट व्यजनानी पकवान पक्षयति, पकाती है, और हमारी माता जी जो है पकाएगी, जो हमारी माता है वो उन मेहमानों के लिए स्वादिष्ट पकवान जो है व्यंजन जो है वो तैयार करेंगे। आगे कहता है उत्सवे अस्माकम् परिचिता मित्राणि च आगमिष्यन्ति, और इस उत्सव पर, कौन से उत्सव पर, जन्मदिन के उपलक्ष में, जन्मदिन का जो उत्सव है इस उत्सव पर, कहता है उत्सवे अस्माकम् हमारे परिचिता, जो हमारे परिचित है, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे मित्र इत्यादि हैं, पड़ोस के लोग जो है वो सब मित्राणि च हमारे मित्र आगमिष्यन्ति आएंगे, अर्थात इस जन्म दिवस के उपलक्ष में हमारे परिचित और हमारे मित्र सभी आएंगे। ते स्वय शिशून अपि आगमिष्यन्ति, वे सब स्वय शिशून स्वय अपने बच्चों को भी अभी भी आगमिष्यन्ति लाएंगे, जब वो सब आएंगे तो उनके साथ में वो अपने बच्चों को भी लेकर के आएंगे। कहता है वयम शिशु नाम करते क्रीडन कानी अपि स्थापयिष्यामि, और फिर कहता है हम भी, वयम हम सब जो है मिलकर के शिशु नाम करते बच्चों के लिए क्रीडन कानी खिलौने भी, क्रीडन कानी अपि खिलौने भी स्थापयिष्यामि रखेंगे या उनके लिए लाएंगे। हम भी जो है, जो बच्चे आएंगे, जो छोटे बच्चे आएंगे, उनको जो है हम खिलौने जो है ला करके देंगे या उनको रखेंगे, उनकी व्यवस्था भी करेंगे। शिशु भी सह खेलित्वा मानसिम अति प्रसन्ना भविष्यति, और फिर कहता है बच्चों के साथ, शिशु भी बच्चों के साथ सह खेलित्वा खेल करके मानसी जो है अति प्रसन्ना भविष्यति, बहुत ही प्रसन्न होगी। छोटे छोटे बच्चे जो आएंगे उनके साथ मेरी बहन जो मानसी है वह खेल करके बहुत प्रसन्न होगी। फिर आगे कहता है सर्वे आगंतुकाः परस्परम् मिलित्वा बालः अपि मानस्यः से क्रीडित्वा प्रीति भोजन करिष्यन्ति, और फिर आगे कहता है कि सर्वे सभी आगंतुका जो आने वाले हैं, जो मेहमान इत्यादि आने वाले हैं, वे परस्परम मिलकर के एक दूसरे के साथ, कहता है मिलित्वा बाला अपि, और बालक भी मानस्या सह क्रीडित्वा मानसी के साथ क्रीडित्वा खेल करके प्रति भोजन करिष्यन्ति, और प्रीति भोज करेंगे या स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। आगे कहता है कि सर्वेषां स्नेहेन मंगल कामना भी च मानस्यः जीवनम सुखमयम सफलम च भविष्यति, और फिर आगे कहता है कि सर्वेषां स्नेहे सभी के प्रेम से, सभी के प्यार से और उनकी मंगल कामनाओं से, उनकी अच्छी शुभ कामनाओं से, आशीर्वाद से मानस्यः जीवनम, मेरी बहन जो मानसी है उसका जीवन सुखमयम सफलम च भविष्यति, सुखी सुखमयम सुखी और सफलम सफल होगा। सभी जो हमारे आगंतुक है, हमारे मेहमान है, उनकी मंगल कामना से और उनके आशीर्वाद से, प्रेम से जो है मेरी बहन मानसी का जो जीवन है वो सुखमय और सफल बनेगा होगा। आगे कहता है कि अहम अपि स्वय भगिन्यै स्वास्थ्यस्य दीर्घ जीवनस्य कामनां करोमि, और फिर कहता है कि ये सब तो मेरी बहन मानसी को
आशीर्वाद देंगे, मंगल कामनाएं देंगे, उसके सफल जीवन की कामना करेंगे। उसके साथ साथ अहम अपील, मैं भी स्वयं भगिनी, मेरी बहन मानसी जो है उसके स्वास्थ्य से दीर्घ जीवन से कामना करूंगी, उसके अच्छे स्वास्थ्य की और उसकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। जो और सब मंगल कामना करेंगे, उनके सफल होने की, उसके जीवन के सफल होने की कामना करेंगे, तो मैं भी अपनी बहन मानसी के सुखमय जीवन की और दीर्घ आयु जो है होने की मंगल कामना करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा अध्याय चतुर्थ जो है, इसका जो शेष बचा हुआ पाठ था ये आज हमने पूरा कर लिया। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द आए हैं, उन शब्दों को जो है मैं थोड़ा सा आपको एक बात, जो कठिन वर्ड भी है हम उनका उच्चारण करेंगे, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो हम हमारे रिलेशन में कौन क्या लगता है, ऐसे वाक्य भी, ऐसे शब्द भी आए हैं, उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आया है पितामही, पिताजी, मही, पितामही का मतलब होता है पिताजी की माता, यानी कि मेरी दादी। तो हम अपनी दादी को क्या बोलेंगे संस्कृत भाषा में, पितामही। ठीक है, तो पितामही नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं किसको, हमारी दादी को पितामह, और दादाजी को हम पितामह संस्कृत भाषा में कहकर के संबोधित कर सकते हैं। तो आप इनका उच्चारण करेंगे बार बार, पितामही, पितामह, इस तरह से हम। फिर है मातामही, माता हमारी माता, मातामही माता जी की माता, इसको हम क्या बोलते हैं, नानी। तो नानी को हम संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे, मातामही। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो हमारी माता जी के, हमारी माँ के पिता हैं, उनको क्या कहेंगे, मातामह। क्या बोलेंगे, मातामह। आप इन कठिन वर्ड का, कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करेंगे तो ये कठिन शब्द आपको अर्थ सहित याद हो जाएंगे। फिर है उसके बाद में उपहारान, उपहार लाएंगे, उपहारान देंगे। फिर मातामही, पितामही, उपहारान, दास्यामह, मातामही के लिए या मातामही को या पितामही को उपहार देंगे। उसके बाद में देखिए हम जो है यहाँ पर अलंकतम, क्या शब्द है ये, अलंकतम, सुशोभित करना या अलंकृत करना या सजाना। ठीक है, या सुशोभित करना। ठीक है, उसके बाद में होता है परिचिता, परिचिता के ऊपर जो है स्वादुनी, स्वादुनी का मतलब होता है स्वादिष्ट, लजीज। उसके बाद में है व्यजनानी, पकवान, जो हम अपने घर में पकवान बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यजना। ठीक है, व्यंजन ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद में परिचिता, हमारे मिलने जुलने वाले। ठीक है, परिचिता जो हमारे परिचय के लोग होते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, वे सब। फिर है क्रीडन कानी, क्रीडन कानी का मतलब होता है खिलौने, जिनसे बच्चे खेलते हैं उनको हम संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, क्रीडन कानी, खिलौने। फिर कहता है आगे जो है खेलित्वा, खेल करके, इसमें तत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, खेल यानी कि धातु है और तत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, खेलित्वा। फिर है आगंतुका, आने वाले, उस उत्सव पर, कौन से उत्सव पर, जन्मदिन के उत्सव पर आने वाले आगंतुक। प्रीति है प्रीतिभोज, ठीक है, और स्वादिष्ट भोजन, प्रीतिभोज जो प्रेम पूर्वक खिलाया जाता है वो भोजन। फिर है सर्वेषां, सभी के मंगल कामना भी, अच्छी कामना, शुभ कामना। ठीक है, फिर है सुखमयम, सुखमय, सुख पूर्वक, और अहम अपील, स्वयं भगिनी, अपनी बहन के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए दीर्घ जीवनस्य,
लंबे जीवन के लिए, उसके लंबे जीवन की कामना के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से जो है ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर जो है कठिन शब्द जो है हमारे पूरे हो गए हैं। और इसका एक बार मैं आपको हिंदी अनुवाद एक बार पुनः जो है उच्चारण कर देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। जन्मदिन दिवसस्य उत्सवस्य उपलक्ष्ये अद्य सायमं पितामही मातामही च आगमिष्यते। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाम को मेरी पितामही यानी कि दादी, मेरे पिताजी की मम्मी माँ, पितामही दादी और मेरे पितामही दादाजी आएंगे। तब घर में 60 सदस्य भविष्यन्ति, 6 सदस्य होंगे। स्वयं आने वाले कल प्रातः मम मातामही, मेरी माँ की जो मातामही मैंने आपको बताया था नानी को कहते हैं, तो मेरी मातामही और मेरे मातामही मेरे नाना जी, मातामही और मेरे मातामही मेरे नाना और मेरी नानी जी जो है आएंगे। तब हम सब 8 सदस्य होंगे ठीक है। सभी मानसी को मिलकर के जो है सभी से वो मानसी मिलकर के अति प्रसन्न भविष्यन्ति, बहुत ही प्रसन्न होंगे। ते मानस्य उपहारान आगच्छन्ति और वे सब मानसी के लिए उपहार लेकर के आएंगी। अयम अपि मातामही पितामही उपहारान दास्यामि, हम मेरे नाना नानी और मेरे दादा दादी के लिए उपहार देंगे, उनको भी हम जो मेरे नाना नानी आएंगे वो